नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा एक चरों वाले रैखिक समीकरण। एक चरों वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ एक चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण कौन से होंगे, एक चरों वाले रैखिक समीकरण कौन से होंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें एक ही चर दिया गया हो, एक ही चर का मान हमें ज्ञात करना हो। जैसे सिर्फ इसमें x का मान ज्ञात करना है, यहाँ x का मान ज्ञात करना, x की जगह y भी हो सकता है, यानी सिर्फ y का मान ज्ञात करना हो या सिर्फ x का मान ज्ञात करना हो। लेकिन यदि हमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है तो इसका मतलब है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें x का मान ज्ञात करना है तो एक चर का मान ज्ञात करना है, इस वजह से ये कहलाएंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किस प्रकार से किया जाता है, ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये तुम्हारे लिए कक्षा 6 से 10 तक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर पर्सन को हल करने के लिए इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से संख्याएं बदलती हैं, किस तरह से चिन्ह बदलता है, किस तरह से हम मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर एक। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे सामने, एक्स प्लस 7 बराबर कितना है 15, और हमें x का मान ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में हमने पहले, अगर आपने देखा हो तो पहला पिछला वीडियो मैंने बना रखा है, पक्षांतरण के नियम मैंने उसमें बता रखे हैं किस तरह से चिन्ह बदलेंगे। तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लें, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे x प्लस 7 बराबर 15, हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ x को आगे रखना है, बाकी सबका पक्षांतरण करना है। और पक्षांतरण किस तरह से करते हैं, बाएं पक्ष से हम संख्याएं दाएं पक्ष में लेके जाते हैं, या दाएं पक्ष से संख्याएं बाएं पक्ष में लेके आते हैं, तो ये होता है पक्षांतरण। और पक्षांतरण करते वक्त संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे माइनस की संख्या है तो पक्षांतरण करने पर प्लस की हो जाएगी, और प्लस की संख्या है तो पक्षांतरण करने पर माइनस की हो जाएगी, और यदि गुणा में संख्या है, गुणा में संख्या है और उसका पक्षांतरण जब करेंगे तो वो भाग में बदल जाएगी और भाग गुणा में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर है, x प्लस 7 बराबर कितना लिखा हुआ है 15। हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो x हमारा बाएं पक्ष में रहेगा, बराबर का चिन्ह पहले लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो लिख देंगे 15, ठीक है। और ये प्लस का 7, इसका पक्षांतरण कर रहे हैं हम, प्लस की 7 इधर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, ये माइनस का 7 हो गया, प्लस का 7 का पक्षांतरण किया हमने, माइनस के 7 में बदल गया। अब इसको हल कर लेंगे, अभी हमने देखा माइनस प्लस का जोड़ बाकी, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया, 15 में से हमें 7 घटाना है, 15 में से जब हमने 7 घटाया तो हमारा उत्तर बना 8, तो ये 8 उत्तर प्राप्त हो गए। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स माइनस 6 बराबर माइनस का 2, इस सवाल को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें माइनस 6 का पक्षांतरण करना होगा, माइनस का 6 दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, x बराबर माइनस का 2, पहले से लिखा हुआ है माइनस का 2, ये माइनस का 6 इधर आएगा यानी दाएं पक्ष में जाएगा तो बनेगा प्लस का 6। अब x बराबर हमें प्राप्त करना है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 है, इससे पहले हमने जोड़ बाकी देखा था, माइनस के 2 में प्लस के 6 ऐड करने हैं, जोड़ने हैं। तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे, देखो माइनस के साथ छोटी संख्या है, प्लस के चिन्ह के साथ बड़ी संख्या है, तो जिसका बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह है उसी में उत्तर प्राप्त होंगे। तो यहाँ भी माइनस का 2 इसमें से कम हो जाएगा, बचेगा कितना प्लस का 4, ये प्लस का 4 इसका उत्तर हो गया। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर तीन। जैसे 2x बराबर 16 लिखा हुआ है, 2x बराबर लिखा हुआ है 16। अब यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करने के लिए हमें चिन्हों का ध्यान रखना है, और चिन्ह किस तरह से बदलते हैं, गुणा की संख्या है तो जाएगी भाग में, भाग की है तो जाएगी गुणा में, प्लस की है तो माइनस बनेगी, माइनस की है तो प्लस बनेगी। तो यहाँ पे देखो ये 2x यानी x से ये 2 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, x और 2 के बीच में कोई ही चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ पे गुणा छुपा हुआ है, और गुणा की संख्या का जब पक्षांतरण करते हैं, यानी 2 गुणा में है और गुणा की संख्या का पक्षांतरण होगा, ये जाएगा भाग, तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा हमारा x, तो x बराबर होगा 16 पहले से लिखा हुआ है, और 2 गुणा में
गुणा में संख्या कहाँ पे जाएगी, भाग में, भाग का मतलब बटे में जाएगी, बटे में दो होगा, इसका मतलब x बराबर प्राप्त होगा हमारा 16 में जब 2 का भाग दिया तो उत्तर बना यहाँ पे 8। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, इसको हल करना है। तो को 3x प्लस 2 बराबर 26 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम प्लस के 2 का पक्षांतरण करेंगे और उसके बाद इस 3 को लेके जाएंगे। तो प्लस में संख्या है, प्लस की संख्या इधर जाएगी माइनस की बनेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3x बराबर क्या होगा, 26 प्लस का 2 इधर जाके बन गया माइनस का 2। एक स्टेप बढ़ाएंगे, 3x बराबर होगा 26 में से 2 कम किया हमने, 2 घटाया, 26 में से 2 घटाया तो हमारा उत्तर बना 24। 26 में से 2 घटाया 24 प्राप्त हुआ। लेकिन अब हमें x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करने के लिए हमें 3 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा और 3x से गुणा हो रहा है, 3x से क्या हो रहा है यहाँ पे गुणा, कोई चिन्ह नहीं इन दोनों के बीच में, गुणा माना जाएगा और गुणा का पक्षांतरण करेंगे तो ये भी भाग में जाएगा, यानी 3 कहाँ पे जाएगा, भाग में, बटे में। तो x बराबर होगा 24 बटा 3, 24 में 3 का भाग देंगे तो ये भी आंसर बन गया कितना, 8। तो इस तरह से हमने इन सभी सवालों के हल प्राप्त कर लिए। और एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, पक्षांतरण हुआ माइनस का हो गया, 15 में से 7 घटाने पर उत्तर बना 8। 2x बराबर 16 था, 2x से गुणा हो रहा था, इस वजह से 2 किस में चला गया, बटे में, 16 में 2 का भाग दिया, उत्तर बना 8। यहाँ पे माइनस का 6, पक्षांतरण करने पर प्लस का हो गया, माइनस 2 और 6 का जब जोड़ बाकी हमने किया तो उत्तर बना 4। तो ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ जो तुम्हें समझा देता हूँ। तो किस तरह से एग्जांपल हम और इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या लेकर के भी हम हल कर सकते हैं, तो मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ तुम्हारे सामने, तो देखते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, इनको समझना अति आवश्यक होता है, गणित को समझने के लिए इन चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी। तो देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 5। 5 नंबर पे हम ये ले लें, 2x प्लस 4 बराबर x माइनस 2, और इसका हमें हल क्या करना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष, और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जिस चीज़ का हमें मान ज्ञात करना है वो बाएं पक्ष में होना चाहिए और बाकी सब कहाँ जाना चाहिए, दाएं पक्ष में। तो हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो x को हमें बाएं पक्ष में रखना है, यानी आगे रखना है, और बाकी का पक्षांतरण करके दाएं पक्ष में लेके जाना है। अगर इधर दाएं पक्ष में कोई x की वैल्यू दे रखी है तो उसको हम आगे लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो, 2x को हम आगे रखें क्योंकि x का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। अब इसके साथ x नहीं है तो इसका पक्षांतरण करेंगे, दाएं पक्ष में इसको लेके जाएंगे, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये आगे ले लिया हमने, और बराबर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस दो तो पहले से लिखा हुआ है। ये प्लस का 4 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का 4। लेकिन हमें x को आगे लेना है, यानी x अभी दाएं पक्ष में है, इसको जब इधर लेके आएंगे, यानी बाएं पक्ष में लेके आएंगे, और बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो इसका भी चिन्ह बदलेगा, क्योंकि बाएं पक्ष से हम दाएं पक्ष में जाते हैं चिन्ह बदलता है। तो बाएं पक्ष में संख्या, जब बाएं पक्ष से जब दाएं पक्ष में संख्या लेके जाते हैं तो भी चिन्ह बदलता है, तो दाएं पक्ष से जब हम बाएं पक्ष की तरफ आएंगे तो भी चिन्ह बदलेगा। तो इसका मतलब 2x, ये माइनस, ये प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स बराबर में कितने हो गए, माइनस के 2 और माइनस के 4 मिलके हो गए माइनस के 6। तो यहाँ पे देखो, 2x में से x यानी 1x, ये 2x हैं, ये x हैं, तो 1x माना जाए, 2x में से 1x घटाएंगे तो x प्राप्त होगा। x बराबर कितने हो गए, 6, तो x बराबर उत्तर बन गया हमारा 6, इसका आंसर बन गया। अब इसके अलावा हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10x माइनस 4 बराबर 5x प्लस
तीन, कुछ भी है, इसी तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। ये एग्जाम्पल नंबर रहेगा हमारा 6। x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि x की संख्याएं आगे यानी बाएं पक्ष में रखनी है, बाकी बिना x वाली संख्याओं को हमें दाएं पक्ष में लेके चलना। तो देखो x, ये 10x है, x की संख्या है, इसको आगे रखेंगे और इधर से 5x को उठा करके बाएं पक्ष में लेके आएंगे। दाएं पक्ष में जो 5x है वो आएगा बाएं पक्ष में। तो जब इसको दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ लेके आएंगे तो चिन्ह बदलेगा। ये 5x इसको उठा करके हम बाएं पक्ष में लेके आ रहे हैं, इसका मतलब 5x किसका है? प्लस का है। इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 5x बराबर में क्या बचा? इधर 5x हमने बाएं पक्ष में ले लिया तो दाएं पक्ष में सिर्फ क्या बचा? प्लस का 3। अब ये माइनस का 4 है, इसको लेके जाना है दाएं पक्ष में। तो माइनस का 4 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। अब 10x में से 5x घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 5x, 3 में 4 जुड़ जाएगा, कितने हो गए? 7। और x का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो x से 5 गुणा हो रहा है, गुणा की संख्या बटे में जाएगी, तो 7/5, ये 7/5 इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, इसी में एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर सात, जैसे मान लीजिए इस तरह से संख्या आती है, x/3+4=6। अब इसमें ये बटे में संख्या, इसका मतलब भाग में है, ये किस में है? प्लस में है, ठीक है। अगर इसका हल हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम इस प्लस के 4 को किधर लेके जाएंगे? दाएं पक्ष में, ठीक है। तो क्या बनेगा? देखो यहाँ रहेगा हमें x/3=6 लिखा हुआ है पहले से, लेकिन ये प्लस का 4 इधर जाके किसका होगा? -4। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो x/3=6 में से 4 घटा दिया, कितने बच गए? 2। लेकिन हमें तो x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास अब दो तरीके हैं, या तो इसको वज्र गुणा कर लें, या फिर पक्षांतरण के नियम के आधार पर क्या करें, ये x/3 है यानी बटे में है, भाग में है 3, और भाग में संख्या है और उसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके किसकी होगी? गुणा में। तो भाग की संख्या का पक्षांतरण करेंगे, गुणा में बदल जाएगी। तो यहाँ बचेगा हमारा x/3 पहले से 2 है, और ये जो 3 है भाग में है, भाग की संख्या इधर जाएगी गुणा में, तो गुणा कितने हो गए? 3। ये 3 इधर जाके किसका हो गया? गुणा का। तो x हो गया हमारा कितना? 6। x उत्तर 6। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाग का, एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, और इसमें लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4x/7-6=9। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है और इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम -6 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगी। तो 4x/7+9 पहले से है, ये -6 इधर जाके किसका हो गया? +6। तो इसका मतलब बड़ा हमारा 4x/7 कितने हो गए? 9 और 6 15। और हमें x का मान ज्ञात करना है तो पहले ये बटे में जो संख्या है, भाग में है, उसका पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4x/15 पहले से है, ये 7 इससे गुणा होगा, तो 4x हो गया कितना? 105। और x बराबर हो जाएगा 105/4, यानी ये बटे में छोड़ देंगे इसको, ये हमारा आंसर होंगे। 105 में हम 4 का भाग देंगे तो दशमलव में आंसर प्राप्त होंगे। तो ये सवाल हमने हल किया, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आगे की सीरीज में कल लेके आएंगे। थैंक यू।